अमित जी, यूएस सोयाबीन वायदा तो देख रहे हैं कि सुबह 1740 पर था, अब देख रहे हैं 1746 तक ट्रेड करता नजर आ चुका है। वही घरेलू स्तर पर भी देख रहे हैं कि जो सोयाबीन की रेंज है 6000 से 7000 की रेंज है, और खाद्य तेलों में भी हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है। तो आपको अब कुल मिलाकर क्या लगता है, सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के जो बाजार है वो कैसा रहेगा? जी देखिए, जिस तरह से वीकली आउटलुक में हमने रिसर्च किया था कि यहाँ पे डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड लगता है, चाहे वो सोयाबीन हो, सब्जी हो या रिफाइन चावल हो, तो वही हमने देखा कि लगभग 1400-1500 के नीचे जाकर रिफाइन चावल जो है फिलहाल दिल्ली की तरफ रुक कर रहा है, मध्य प्रदेश से ऊपर है वहाँ से। अब वहीं पर सोयाबीन भी जो 6-800 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड होता है, मुझे लगता है कि 7300 से 7400 के एक एवरेज लेवल हमें इस महीने में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक बार्गेन हंटिंग या बार्गेन बाइंग दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी दिनों से या काफी हफ्तों से मैं कहूँगा कंटिन्यूसली प्राइस दिखाई है की वजह से, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि निवेशक जो है दोबारा एंटर कर रहे हैं बाजार में। इनफैक्ट 6800 के स्तर के नीचे मुझे ज्यादा वर्क नहीं दिखता, और अपसाइड में मैं समझता हूँ कि इस महीने के लिए यानी जून के लिए 7300 से 7400 के एवरेज लेवल होंगे, यानी वहाँ से भी करीबन प्राइसिस की इंक्रीज की और तेजी दिखाई दे सकती है। जी।